नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 26 जनवरी, दिन गुरुवार। आप सभी को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इस बार का गणतंत्र दिवस है बेहद खास। अब बिहार में बाल श्रम पर पूर्ण रूप से लगेगी अंकुश। बिहार में ठंड का प्रकोप हुआ कम, बारिश के आसार खत्म। बिहार ने रणजी ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप के फाइनल में की शानदार आगाज। सीएम नीतीश के बयानों पर उपेंद्र कुशवाहा ने दिया साफ जवाब। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इस बार का गणतंत्र दिवस है बेहद खास। पटना के गांधी मैदान में आज 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां सुबह 9 बजे राज्यपाल के द्वारा झंडा फहराया जाएगा। बता दें कि 2 साल के बाद गणतंत्र दिवस समारोह में गांधी मैदान में आम जनता का प्रवेश होगा, जो कि गेट नंबर 6 और 7 से होगा। इसके लिए व्यवस्था भी कर ली गई है। बताते चले कि आज के राजकीय समारोह को लेकर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बदली हुई रहेगी। सुबह 7 बजे से लेकर राजकीय समारोह खत्म होने तक कुछ रूटों पर गाड़ियां नहीं चलने से लोगों को दिक्कत का सामना हो सकता है। बता दें गणतंत्र दिवस के मौके पर गांधी मैदान में बिहार सरकार की 12 झांकियां निकाली जाएगी, जो बिहार सरकार की चल रही परियोजनाओं को प्रदर्शित करेगी। इसके अलावा इस बार 20 टुकड़ियां परेड में शामिल होंगी, जिनमें 5 टुकड़ियां महिलाओं की होंगी। वहीं गांधी मैदान में राज्यपाल का स्वागत करने के लिए 13 घुड़सवारों का दास्ता तैनात किया गया है। कांस्टेबल, ड्राइवर, फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के 2649 पदों पर निकली वैकेंसी। असम राज्य सरकार के वन विभाग के अंतर्गत AFPF कांस्टेबल, ड्राइवर, कांस्टेबल, ड्राइवर, फॉरेस्टर ग्रेड 1 और फॉरेस्ट गार्ड के कुल 2649 पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस पद के लिए अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही LMV या MMV या HMV का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया होना चाहिए। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 6 फरवरी 2023 तक है। विस्तृत जानकारी या आवेदन करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट slprbassam.in पर जाकर कर सकते हैं। इस दौरान बिना किसी शुल्क के इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अब बिहार में बाल श्रम पर पूर्ण रूप से लगेगी अंकुश। वैसे बच्चे जिन्हें बिहार राज्य के कई जिलों से लेकर दूसरे राज्य में ले जाया जाता है और उनसे कई तरह की मजदूरी करवाई जाती है, अब ऐसे बच्चों पर नजर रखी जा सके और पूर्ण रूप से बाल श्रम पर अंकुश लगाया जा सके, इसके लिए समाज कल्याण और श्रम संसाधन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के स्लम एरिया में रहने वाले गरीब बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ा जाएगा। बता दें कि इस अभियान की शुरुआत अगले महीने से शुरू की जाएगी, जिसमें सेविका सहायिका के द्वारा भी इस अभियान में अपनी भागीदारी निभाते हुए अपने क्षेत्र के करीब बच्चों का डेटा रखा जाएगा। इसको लेकर जिलों को दिशा निर्देश भेज दिया गया है। आज है बसंत पंचमी, जाने शुभ मुहूर्त। आज यानी 26 जनवरी गुरुवार को बसंत पंचमी है। बता दें कि आज के दिन ज्ञान, बुद्धि, विवेक और विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। मालूम हो कि यह त्योहार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि अगर इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है तो माँ सरस्वती के साथ माँ लक्ष्मी और देवी काली का भी आशीर्वाद मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:07 से शुरू हो रहा है, जो कि दोपहर 12:35 तक रहेगा। बसंत का पीला रंग समृद्धि, ऊर्जा, आशावाद का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि आज के दिन पीले कपड़े पहनकर माँ सरस्वती की पूजा पाठ की जाती है। कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन से ही बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी, ज्ञान पंचमी और मधु मास के नाम से भी जाना जाता है। अब बिहार में बिल्डरों पर इस तरह से लगेगी लगाम। बिहार रेरा यानी कि बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा बिहार के उन बिल्डरों के लिए आदेश जारी कर दिया गया है, जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की तिमाही रिपोर्ट रेरा का आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड नहीं करते हैं। आदेश के अनुसार अब ऐसे बिल्डरों को हर दिन 500 से 2500 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। हालांकि यह राशि आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित व प्लेटेड प्रोजेक्टों के मामले में क्षेत्रफल के हिसाब से तय की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह रेगुलेशन
अगस्त 2022 को लाया गया था, जिस वजह से यह आदेश सितंबर 2022 की तिमाही से ही प्रभावी होगी। और अगर तिमाही के खत्म होने पर बिल्डरों के द्वारा वेबसाइट पर अपना रिपोर्ट अपडेट नहीं किया जाता है तो उन्हें 15 दिनों का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा और फिर 16वें दिन से जुर्माना लगाना की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे एच सी वर्मा के बारे में। एच सी वर्मा का पूरा नाम हरीश चंद्र वर्मा है। यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में कार्यरत एक भौतिक विज्ञानी एवं प्राध्यापक हैं। इसके पूर्व उन्होंने पटना के विज्ञान महाविद्यालय में अध्यापन किया। इनके कार्य का क्षेत्र नाभिकीय भौतिकी है। उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की है जिनमें कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स अत्यंत लोकप्रिय है। एच सी वर्मा को बिहार सरकार द्वारा 2017 में मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया। फरवरी 2020 में एच सी वर्मा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सरकार द्वारा दिए गए भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बीपीएससी अभ्यर्थी ने सोशल मीडिया पर की ये गलती तो नहीं दे सकेंगे एग्जाम। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा कदाचार मुक्त परीक्षा कराने को लेकर बड़े फैसले किए गए हैं। बता दें कि अब जो भी अभ्यर्थी नकल करते पकड़े जाते हैं उन्हें परीक्षा से 5 साल के लिए दूर कर दिया जाएगा। वहीं वैसे अभ्यर्थी जो सोशल मीडिया या अन्य माध्यम से अफवाह फैलाते हैं उन्हें भी 3 साल के लिए परीक्षा देने से दूर कर दिया जाएगा। बता दें कि आयोग के द्वारा यह सभी सख्ती बीपीएससी 68वीं परीक्षा को लेकर की गई है जो कि 12 फरवरी को होने वाली है। की जानकारी के लिए बता दें कि अब आयोग के रडार पर वे सभी अभ्यर्थी रहने वाले हैं जो निर्देशों का अनदेखा करते नजर आएंगे ताकि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बिहार ने रणजी ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप के फाइनल में की शानदार आगाज। बीते दिन 25 जनवरी को बिहार और मणिपुर के बीच मोइनुल हक स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप फाइनल शुरू हुआ जिसमें बिहार की टीम के द्वारा शानदार आगाज किया गया। मैच के पहले दिन ही बिहार की टीम के द्वारा 4 विकेट पर 392 रन ठोक दिए गए जिसमें अहम भूमिका सकीबुल गनी के द्वारा 27 चौके और 2 छक्के के साथ 191 रन और विपिन सौरभ के द्वारा 12 चौकों और 5 छक्कों के साथ 117 रन की नाबाद पारी खेलते हुए निभाई गई। जानकारी के लिए बता दें कि रणजी ट्रॉफी के इतिहास में यह सिर्फ दूसरा और प्लेट ग्रुप फॉर्मेट के इतिहास में पहला मौका है जब बिहार की टीम फाइनल में पहुंच पाई है। अगर बिहार ये फाइनल जीत जाती है तो एलिट ग्रुप के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। बिहार के हैं पर बिहारी मत कहना सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक कविता खूब वायरल हो रहा है जिसे आईएएस अवनीश शरण समेत कई लोगों के द्वारा ट्विटर पर शेयर किया जा रहा है। दरअसल यह कविता नालंदा से ताल्लुक रखने वाले साहिल कुमार के द्वारा करीब 1 साल पहले अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया था जिसमें साहिल ने बड़े ही सहज और सरल शब्दों में बिहारियों बाटी चोखा राज्य से निकली हस्तियों की बातें समझाई है। वह शुरू में ही कहते हैं कि आज मैं आईएएस की बात नहीं करूंगा, गणित को तो छोड़ दो, न ये कहूंगा कि इतने ऊंचे पदों पर हमारी हिस्सेदारी है, बस कोशिश करूंगा तुमको ये समझाने की कि होता कौन एक बिहारी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन्होंने ये कविता 5 साल पहले लिखी थी जो आज जाकर वायरल हो रही है और जिसे सभी लोगों के द्वारा खूब पसंद भी किया जा रहा है। कोविशील्ड बूस्टर डोज दे रहा बढ़िया नतीजा, लेसन की स्टडी में मिला जवाब। अगर आपने भी बूस्टर डोज के तौर पर कोविशील्ड लिया है तो यह आपको सबसे अच्छी इम्यूनिटी देगा। दरअसल मशहूर मेडिकल जर्नल लैसेंट के भारत में किए गए लैसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी रिसर्च से यह बात सामने आई है कि अगर बूस्टर डोज यानी कि तीसरी खुराक के रूप में कोविशील्ड ली गई है तो यह सर्वश्रेष्ठ इम्यूनिटी देती है और शानदार एंटीबॉडी तैयार करती है। इसमें यह भी मायने नहीं रखता कि शुरुआत में कोविशील्ड या कोवैक्सीन के टीके दिए गए हैं। मालूम हो कि कोविशील्ड टीका लिए हुए 200 प्रतिभागियों और कोवैक्सीन टीका लिए हुए 204 प्रतिभागियों पर बूस्टर खुराक का अध्ययन किया गया। अध्ययन में पाया गया कि कोविशील्ड या कोवैक्सीन के साथ समान टीके की खुराक दिया जाना सुरक्षित है, वहीं अलग बूस्टर लेने पर बेहतर प्रतिरक्षा तैयार होती है। दिवस पर बिहार पुलिस के 19 पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के सभी राज्यों के पुलिसकर्मियों को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि इसके लिए पुलिसकर्मियों के नाम की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में बिहार से 19 पुलिसकर्मियों का नाम शामिल किया गया है जिसमें राष्ट्रपति पुलिस मेडल के लिए 2 पुलिसकर्मियों को चिन्हित किया गया है तो वहीं प्रधानमंत्री पुलिस मेडल के लिए 17 पुलिसकर्मियों को चिन्हित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश के सभी राज्यों से कुल 668 पुलिसकर्मियों का चयन
चयन किया गया है जिन्हें सम्मानित किया जाएगा। मालूम हो कि इस बार बिहार के खाते में पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड नहीं आया है। बिहार में ठंड का प्रकोप हुआ कम, बारिश के आसार खत्म। बिहार में ठंड का सितम कम हो गया है। बता दें कि राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। वहीं अगले 4 से 5 दिनों तक पारे में कोई खास बदलाव के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि बिहार के कुछ शहरों में हल्का कोहरा छाए रहने के आसार बने हुए हैं। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस तरह का मौसम 29 जनवरी तक बना रहेगा और 4 दिनों तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में मध्यम स्तर का कोहरा छाए रह सकता है। बिहार में नमी वाली हवा चल रही है जिसके कारण आसमान में बादल भी दिख सकते हैं। बता दें कि ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र पूसा और भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 25 जनवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। सीएम नीतीश ने किया एएन कॉलेज में नवनिर्मित भवनों व ई लर्निंग सेंटर का उद्घाटन। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एएन कॉलेज में पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की प्रतिमा का अनावरण और बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त नवनिर्मित भवनों व ई लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस कॉलेज से मेरा पुराना लगाव है। जब मैं सांसद था तो यही बगल में रहता था और यहां होने वाले हर कार्यक्रम में हिस्सा लेता था। इस कॉलेज से यहां पर जो भी निर्माण के लिए प्रस्ताव दिया गया है सरकार के द्वारा उसका पूरा सहयोग किया जाता है। इस दौरान उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, जदयू नेता अरविंद कुमार उर्फ छोटू सिंह सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। G20 के पहले चरण की बैठक मार्च के बजाय जून में। बिहार में 6 और 7 मार्च को होने वाली G20 के पहले चरण की बैठक को स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि अब बिहार में यह बैठक जून में हो सकती है। दरअसल G20 कार्यक्रम एक पहले चरण का कैलेंडर जारी किया गया है जिसमें अप्रैल महीने तक के बैठक की सूची है जिसमें बिहार शामिल नहीं है। फिलहाल अब G20 बैठक के दूसरे शेड्यूल का इंतजार किया जा रहा है, उसके अनुसार ही तैयारियां शुरू की जाएंगी। जानकारी के लिए बता दें कि 6 और 7 मार्च को बिहार में होने वाली G20 बैठक में लगभग 250 विदेशी मेहमान बिहार आने वाले थे, जिसे लेकर गांधी मैदान और एग्जीबिशन रोड स्थित 2 होटलों की बुकिंग भी कर ली गई थी और साथ ही एयरपोर्ट पर आने वाले मेहमानों के रुकने के लिए वेटिंग एरिया बनाने की भी तैयारी की जा रही थी। बिहारी पर्यटन स्थल में आज हम बात करेंगे बिलासी बांध के बारे में। बिलासी बांध बांका जिले का एक प्रमुख स्थल है। बिलासी बांध बांका जिले के फुल्ली डूमर गांव में स्थित है। आप यहां पर आकर घूम सकते हैं। यह बांध चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहां पर बरसात में आकर समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। यहां पर आपको बड़ी बड़ी चट्टाने देखने के लिए मिलती है। यहां पर शाम के समय सूर्यास्त का सुंदर दृश्य देखने के लिए मिलता है। यहां पर आप नहाने का मजा भी ले सकते हैं। यह जगह बहुत सुंदर है। यह बांका का पिकनिक स्पॉट है। यहाँ आप जंगल पहाड़ों के बीच प्रकृति के मनोरम वादियों में बने जलाशय का मजा ले सकते हैं। प्रकृति की गोद में स्थित यह डैम पर्यटन के लिहाज से लोगों के द्वारा काफी पसंद किया जाता है। अब पटनावासी ट्विटर से ले सकेंगे रोड जाम की जानकारी। बिहार की राजधानी पटना में लोगों को जाम और रोड एक्सीडेंट से होने वाली मुसीबतों से निजात दिलाने के लिए पुलिस मुख्यालय के द्वारा नई रणनीति तैयार करने की निर्णय ली गई है, जिसके तहत अब लोगों को जाम की सूचना ट्विटर के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। बता दें कि इसे हर 3 घंटे में अपडेट किया जाएगा, यानी कि अब ट्विटर के जरिए पटनावासी हर 3 घंटे पर शहर में ट्रैफिक जाम की जानकारी ले सकते हैं। इसको लेकर एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा कहा गया है कि पटना में ट्रैफिक की स्थिति है, इसलिए इसकी जानकारी लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। हर 3 घंटे पर ट्विटर पर जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे लोगों की परेशानी कुछ हद तक कम हो सकती है। ऐसे करें 4G सिम को 5G में कन्वर्शन, साइबर फ्रॉड से रहे सावधान। इन दिनों बिहार के प्रमुख शहरों में 5G की शुरुआत हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर अब साइबर फ्रॉड भी काफी सक्रिय हो गए हैं और उपभोक्ता को 4G सिम को 5G में कन्वर्जन कराने का झांसा दे रहे हैं। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई फोन मैसेज आए तो अलर्ट रहे, वरना आपका भी बैंक खाली हो सकता है। इसके साथ ही अगर आप खुद को 5G सेवा के लिए पंजीकृत करना चाहते हैं और आप जियो उपभोक्ता हैं, तो इसके लिए आप माई जियो ऐप की मदद से 5G सेवा के लिए खुद को पंजीकृत करवा सकते हैं। बता दें कि वेलकम ऑफर के तहत अभी 5G सेवा निःशुल्क है। मौजूदा 4G सिम कार्ड से ही 5G का लाभ लिया जा सकता है। इसके लिए किसी OTP की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप एयरटेल का नया हैंडसेट ले रहे हैं तो इससे पहले यह जांच लें कि यह 5G इनबिल्ट है या नहीं। इसके बाद आप अपने हैंडसेट पर 5G सेटिंग्स को इनेबल कर लें।
उपेंद्र कुशवाहा को लेकर नीतीश कुमार ने कही ये बात। इन दिनों जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई है और साथ ही कुशवाहा ने जेडीयू के कमजोर होने की बात कह दी है, जिस पर कुशवाहा को नसीहत देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बीते दिन बुधवार को AN कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में कहा गया कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो कमजोर होने वाली बात कही है ये फालतू है, किसी को कुछ भी नहीं पता है। उन्होंने कहा कि पहले जेडीयू के 47 लाख सदस्य थे जो अब बढ़कर 70 लाख हो गए हैं। जो खुद दूसरी पार्टी के संपर्क में है वो बाकी साथियों पर आरोप लगा रहे हैं, उन्हें जितना बोलना है बोले और जब जाने का मन है चले जाए। नीतीश कुमार ने कहा कि हमने किस किस को बढ़ाया, कहां कहां चले गए। नीतीश मंत्रिमंडल में होगा बदलाव। अखिलेश सिंह, बीते दिन बुधवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के द्वारा उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कहा गया कि वे जेडीयू छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने RCP सिंह के बयान पर कि RJD जेडीयू में सब कुछ खत्म हो चुका है पर कर दी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि RCP सिंह जो बोल रहे हैं उनकी नौकरी खत्म हो चुकी है इसलिए यह बयान दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में समाधान यात्रा के बाद बदलाव होगा जिसमें 2 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में मुझे यह बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बताया गया है। सीएम नीतीश के बयानों पर उपेंद्र कुशवाहा ने दिया साफ जवाब। एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार राजनीतिक दुश्मन बनते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल यह बात इसलिए उठ रही है क्योंकि नीतीश कुमार द्वारा आज ऐसा कहा गया है कि उपेंद्र कुशवाहा को जहां जाना है जाएं। उसके ऐसा कहने पर नीतीश कुमार को कुशवाहा द्वारा सीधे चैलेंज दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि ऐसे कैसे चले जाए अपना हिस्सा छोड़कर। उनके इस बयान से साफ जाहिर हो रहा है कि वो ऐसे ही जेडीयू से नहीं जाने वाले हैं। बता दें कई दिनों से नेताओं की नाराज जेडीयू के अंदर दिखने को मिल रही है। भारत बना ICC ODI रैंकिंग में बादशाह। भारतीय क्रिकेट टीम के द्वारा होलकर क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए तीसरे वनडे मैच में 90 रनों से जीतते हुए सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली गई। बता दें कि इंदौर में खेले गए आखिरी मैच में भारतीय टीम की ओर से 385 रन बनाया गया था जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 295 रन ही बना पाई। वहीं इसी के साथ भारतीय टीम वनडे रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि न्यूजीलैंड की टीम भारत के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने से पहले ICC रैंकिंग में टॉप पर थी जिसके बाद अब इस स्थान पर भारतीय टीम विराजमान हो गई है। मालूम हो कि भारतीय टीम ICC ODI रैंकिंग में नंबर 1 पर 144 रेटिंग पॉइंट्स के साथ है। वहीं दूसरे नंबर पर इंग्लैंड की टीम 113 रेटिंग्स के साथ मौजूद है और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है जबकि न्यूजीलैंड की टीम चौथे नंबर पर पहुंच गई है। वहीं सूर्य कुमार यादव को साल 2022 के लिए उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में 1930 में पहली बार स्वराज दिवस मनाया गया। 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार से बातचीत के लिए महात्मा गांधी रिहा किया गया। सन 1950 में भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ और भारत का संविधान लागू हुआ। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 1950 में अपने पद से त्याग पत्र दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शेरों को 1950 में राष्ट्रीय प्रतीक की मान्यता मिली। वर्ष 1937 में गठित भारतीय संघीय न्यायालय का नाम 1950 में बदलकर सर्वोच्च न्यायालय कर दिया गया। युद्ध में शहीद सैनिकों की याद में दिल्ली के इंडिया गेट पर 1972 में राष्ट्रीय स्मारक अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई। साल 2001 में संगीतकार लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। 2008 में 59वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा ताई पाटिल ने परेड की सलामी ली। वायलकॉन में आज हम बात करेंगे आधार कार्ड धारकों के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे आधार कार्ड धारकों के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी आधार कार्ड धारकों को 4,78,000 का लोन मुहैया करा रही है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है, यह जालसाजी का एक प्रयत्न हो सकता है। अपनी व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें।
पठान देखने को पटना के थिएटरों में उमड़ी भीड़। बीते दिन शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म विरोध के बीच पठान रिलीज हो गई, जिसे बिहार की राजधानी पटना में लोगों के द्वारा अच्छा रिस्पांस दिया गया है। बता दें कि फिल्म रिलीज के पहले ही दिन मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घरों में हाउसफुल रही। यह फिल्म लोगों को इतना पसंद आई कि फर्स्ट शो खत्म होने के बाद लोगों के जुबान पर बस यही रहा कि बॉलीवुड इज बैक विद शाहरुख खान। इस फिल्म को लेकर एक तरफ जहां कुछ जगहों में आक्रोश नजर आया तो वहीं कुछ जगहों पर लोगों में उत्साह को देखा गया। दर्शकों के द्वारा कहा गया कि काफी लंबे समय के बाद बॉलीवुड में ऐसी फिल्म आई है जो साउथ की फिल्मों को टक्कर दे पा रही है। बता दें कि दर्शकों को यह फिल्म इतना पसंद आया है कि उन्हें इस फिल्म को 5 में से 5 अंक दिया। इसके साथ ही कई दर्शकों के द्वारा यह भी कहा गया है कि यह फिल्म पूरी तरह से देशभक्ति पर है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिस पर विरोध किया जाए। अनजान रास्तों पर महसूस हो खतरा तो व्हाट्सएप के इस फीचर का ले मदद। व्हाट्सएप का इस्तेमाल दुनिया भर में लाखों करोड़ों यूजर्स द्वारा चैटिंग के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें एक ऐसा भी फीचर है जिसकी मदद से आप किसी अनजान जगह रहते हैं या किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां आपको खतरा महसूस होता है तो आप सुरक्षित रह सकती हैं। हम यहां बात कर रहे हैं व्हाट्सएप के लोकेशन शेयरिंग फीचर के बारे में, जिसकी मदद से आप लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं। अगर आप भी इस फीचर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में व्हाट्सएप खोलना होगा। अब अपने परिवार के सदस्य या दोस्त का चैट पेज खोलना होगा। यहाँ आपको मैसेज टाइपिंग बॉक्स के ठीक बगल वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ लोकेशन के ऑप्शन पर टैप करना होगा और फिर GPS को इनेबल कर ले और शेयर लाइव लोकेशन पर टैप कर दे। इस फीचर की खास बात यह है कि आप मिनट और घंटों के हिसाब से लंबे समय तक अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है शंकर मुखिया, धर्मवीर, शेरगिल, अजीमा फिरदौस, कौशल रावत, जीवनाथ मंडल, दयानंद यादव, मोहम्मद सकीर हुसैन, भरोस यादव, कुश कुमार यादव, रूपेश कुमार, अनवर करीम खान, गणेश कुमार पंडित, अतीक खान, अखिलेश यादव, शमसाद अहमद। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, उपेंद्र कुशवाहा और सीएम नीतीश के बीच शुरू हुए मतभेद से आपके अनुसार जेडीयू में नुकसान हो सकता है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।